आ गए हैं हम आज मारुति सुजुकी एरिना के एक शोरूम पर और देखिए हमने एक खासी खास खास गाड़ी, ये है ब्रेजा। देखी तो आपने बहुत बार होगी, लेकिन ये ब्रेजा का VXI मॉडल है, सेंट्रल मॉडल, लेकिन ये एक्सेसराइज्ड मॉडल है। आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में आपको रेन वाइजर मिलते हुए, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि टॉप मॉडल वाले हैं वो मिलते हुए, इनफैक्ट ORVM जो है उस पर भी एक खास तरह का फिनिश आपको दिखता हुआ, ORVM पे भी एक डिज़ाइन एलिमेंट जो कि हिल्स को डिस्क्राइब करता है। फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर गाड़ी में लगा हुआ है जो कि फ्रंट लुक को एनहांस कर रहा है। गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर लैम्प का सेटअप हैलोजन में, जिसमें आपको फ्रंट बीम लो बीम सारी इसी में हाई बीम लो बीम मिलती हुई। गाड़ी में बीचों बीच ग्रिल में आपको ऊपर क्रोम की फिनिशिंग और क्रोम के नीचे एक पियानो ग्रे फिनिशिंग आपको मिलती हुई विद द सुजुकी लोगो इन द सेंटर, और ये आपको नेक्स्ट हेडलाइट तक जाता हुआ, हेडलैम्प सेटअप तक जाता हुआ। फ्रंट में ही फॉग लैम्प की आपको हाउसिंग मिल जाती है, फॉग लैम्प आप कंपनी से इंस्टॉल करवा सकते हैं या बाहर से भी। आपको आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइड व्यू है, ये आपको गाड़ी का रियर व्यू कुछ इस तरीके से मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त रियर व्यू आपको मिलता है। ऊपर आपको हाई स्टॉप माउंट लैम्प, आपको पीछे ग्लास पे डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें नीचे आपको वापस रियर बम्पर एक्सटेंडर भी मिलता हुआ, और साथ में पार्किंग सेंसर्स आपको गाड़ी में चार बम्पर पे आपको मिल जाते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग जो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है माइलेज बचाने में और इस गाड़ी को बनाती है माइलेज के मामले में लीडर इन द सेगमेंट। टेल लैम्प का सेटअप LED में, ब्रेक लाइट या नाइट लाइट का, और बाकी जो इंडिकेटर है वो आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। ये गाड़ी का बूट स्पेस दैट इज 300+ लीटर विदाउट एनी पार्सल ट्रे। आपको कोई पार्सल ट्रे इस VXI मॉडल में नहीं मिलती है, लेकिन आप इसको भी फ्रॉम कंपनी इंस्टॉल करवा सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप देख सकते हैं दोबारा से कुछ टेल लैम्प का सेटअप इस तरह से दिखता हुआ। ये गाड़ी का कैबिन है, आपको गाड़ी का कैबिन का व्यू आप देख लीजिए। ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल, रियर रिक्लाइन फ्रंट, एंड ऑफकोर्स विद दी मैनुअल हेडरेस्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको गाड़ी में ड्राइवर साइड ही आपको फ्यूल लिड ओपनर और इंजन बे ओपनर मिल जाता है, नीचे एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, और उसके बाद सुजुकी का जो एक कन्वेंशनल स्टेयरिंग है वो आपको गाड़ी में मिलता हुआ। ये गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ ड्राइवर साइड से कुछ इस तरह से दिखता हुआ। ये जो आप प्लाई वुडन का काम देख रहे हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सेंट्रल यानी बीच के मॉडल से ही आ जाता है, दैट इज़ VXI। ये गाड़ी का पार्किंग और किसी तरह का कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता है। गाड़ी में अगर सनवाइजर की बात करें तो आपको इसके अंदर एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है जो कि आपको खूबसूरत दिखने में हेल्प करता है। सामने आप देख सकते हैं IRVM जिसमें डे नाइट डिमिंग फीचर के साथ आता हुआ, और सामने एक किडनैपिंग वैन मारुति को भी खड़ी है। खैर एनीवेज चलिए वापस आते हैं। आपको ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें टिकट होल्डर मिलता हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग है कम्प्लीटली विद द टैकोमीटर एंड द स्पीडोमीटर, सेंट्रल में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। गाड़ी के स्टेयरिंग की बात करें तो कोई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल आपको सारे के सारे स्टेयरिंग पे ही मिल जाते हैं। ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मारुति सुजुकी का जो डिफॉल्ट OEM स्टेयरिंग सिस्टम है वो है, वापस मैंने आपको बताया था वुडन प्लाई का काम, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स, आपको डोर पैनल पे ही आपको सारे एडजस्टमेंट जो कि मिरर एडजस्टमेंट है, आपको ORVM एडजस्टमेंट है विच इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, और वुडन का काम आपको दोबारा यहाँ डोर पैनल पे भी दिखता हुआ। ट्विटर की हाउसिंग गाड़ी की यहाँ पे आपको मिल जाती है, ट्विटर की हाउसिंग में ट्विटर भी है क्योंकि ये सेंट्रल मॉडल है, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम कम्प्लीटली आता है। बॉटल होल्डर, स्पीकर एडजस्टमेंट, ये जो स्पीकर हाउसिंग है वो मिलती हुई, ये एक्सेसरी एक एक्स्ट्रा लगी हुई ब्रेजा की स्कफ प्लेट, बड़ी खास बड़ी सुंदर दिखाई देती हुई। गाड़ी में वापस आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कप होल्डर है और ये AC के नॉब्स हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और एक जो है वो ड्राइवर साइड हो जाता है। गाड़ी में ये आपको डैशबोर्ड का जो लुक है, साथ में आपको यहाँ पे डोर पैनल पे मैं आपको बताना भूल गया था, वुडन के साथ साथ नीचे कपड़े का भी एक काम हुआ है, एक फैब्रिक टच यहाँ पे देने की कोशिश मारुति ने की है। एक डोर खुला हुआ है तो आप देख सकते हैं किस तरह का आपको यहाँ पे सिंबल नज़र आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, और ये खास बड़ा ही एक क्लासिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखता हुआ। ये AC नॉब ड्राइवर साइड वाला विद अ वुडन फिनिश, आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट के साथ साथ एक USB चार्जर भी मिलता है विच एड्स मोर कन्वीनियंट फीचर्स टू दिस कार। आपको ये छोटा सा स्पेस आपको सामान कुछ रखने के लिए, एयरबैग की बैजिंग, फ्रंट का जो बोनट है वो कम्प्लीटली विजिबल है आगे से,
गाड़ी के रियर की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। इस डोर पे भी आपको एक वुडन का एक्सेसरी आपको दिखता हुआ, साथ में कुछ क्लोथिंग यानी कपड़े का एक हल्का सा काम, जो कि कहीं ना कहीं से एक लग्जरी टच देता है गाड़ी को। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गाड़ी के पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कंप्लीट एसी फ्लो गाड़ी में। ऊपर कैबिन लाइट यहाँ पे आपको मिलती हुई, और यहाँ पे आपको से कोट होल्डर या ग्रैब हैंडल आप बोल सकते हो, ये मिलता हुआ। ये कपड़े का काम कुछ इस तरह से। रियर डोर पे आपको मिरर अप डाउन करने के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हुए, साथ में आपको बॉटल होल्डर और स्पीकर की हाउसिंग भी वहीं पे आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो पीछे की सीट है उसमें भी आपको कंप्लीट मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, किसी तरह का आर्मरेस्ट गाड़ी में नहीं आता है। फ्रंट से अगर आप देखेंगे यानी पीछे से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का जो फ्रंट है कुछ इस तरह से। और ये रहा आपके लिए मारुति ब्रेजा का एक ओवरऑल रिव्यू। थैंक यू व्यूअर्स ऑटो सिंह के साथ जुड़ने के लिए।